हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई तो हमारी सुपर सेट की सीरीज में लेक्चर नंबर फाइव मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए तो इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी कॉन्टेस्ट फॉर्म में हमारे आई के ऐप पे अपलोडेड है तो बिल्कुल क्या करना है आपको आई के ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाके कॉन्टेस्ट प्ले करना है ठीक है चलिए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए कनेक्ट हो जाइए लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि हम अपना सेशन शुरू कर सकें थ्योरीज ऑफ केमिकल कैनेटिक्स तो केमिकल कैनेटिक्स जो है हमारा उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने स्टडी कर ली है आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज केमिकल कैनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो चलिए ज्वाइन हो जाइए सबके सब चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स तो हेलो कंचन जी हेलो ठीक है तो थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज केमिकल काइनेटिक्स के अंदर दी गई हैं अगर हम देखें तो लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंटली स्टडी करना होता है जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं जो थ्योरीज वो तीन टाइप की हैं या तीन थ्योरीज है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं जिसमें अगर मैं आपको नाम बताऊं तो सबसे पहली थ्योरी जो है वो है हमारी वो है हमारी यूनिमोलिकुलर थ्योरी यस जिसको लिंडेमैन मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहली जो थ्योरी है जिसको हम ज्यादातर पढ़ते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार आए हैं चाहे आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम उठा लें यूनिमोलिकुलर थ्योरी तो इससे काफी क्वेश्चन आए हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग कंजन जी ठीक है चलिए सेकंड थ्योरी की बात करें तो सेकंड थ्योरी इंपॉर्टेंटली जो एग्जाम में पूछी जाती है थ्योरी आते हैं लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट इसका थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है तो थ्योरी फिर आपकी आती है सेकेंड नंबर पे ठीक है थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंटली थ्योरी आती है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी तो और उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं ठीक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके इन तीनों थ्योरीज के बारे में और इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं जो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए जिनके बेस पे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं छोटे मोटे जो भी हैं वो सब आप कर पाए है ना तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहली थ्योरी से यूनिमोलिकुलर थ्योरी तो शेयर करते रहिए सेशन को है ना और लोगों को कनेक्ट कर लीजिए साथ में चलिए तो हमारा यूनिमोलिकुलर थ्योरी क्या है इसको लिंडेमैन मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं ठीक है चलिए देखते हैं तो यूनिमोलिकुलर जो थ्योरी है हमारी सबसे पहले सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन जिसने दी थी उनका नाम था लिंडेमान ठीक है जिन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी यूनिमोलिकुलर थ्योरी की वो हमारे लेंडेमान थे है ना और इसके बाद 1921 में इन्होंने थ्योरी दी थी उसके बाद इसका एक्सटेंशन किया था किसने क्राइल हिंसलवुड ने तो वो आगे लेकर गए थे इस थ्योरी को थोड़ा सा और करेक्शन करते हुए ठीक तो यूनिमोलिकुलर थ्योरी के अंदर जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया लिंडेमान के द्वारा वो क्या ऑब्जर्वेशन थी चलिए देखते हैं सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन की गई यहां पर हाँ बिल्कुल हेलो वैष्णवी जी है ना तो सबसे पहले जो यूनिमोलिकुलर थ्योरी में ऑब्जर्वेशन की गई वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की गई ठीक है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या की गई हमने एक गैस ली और गैस को प्रेशर को चेंज कर रहे थे ध्यान सुनिए टेम्परेचर सेम रखा था गैस के प्रेशर को हम चेंज कर रहे थे तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देखा चेंज देखा और अगर हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया एक्सपेरिमेंटली जब हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया डेटा से तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था देखिए हमें कुछ ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा था तो हमें ये तीन टाइप के ग्राफ यहां पर देखने को मिले हैं अब ये ग्राफ y और x एकस एक्सिस के बीच में है तो y और x एकस एक्सिस क्या है जरा इनको देख लेते हैं समझते हैं पहले तो y एक्सिस यहां पर है आपका लॉग रिएक्टेंट है ना जो भी गैस यहां पर थी उसका लॉग लिया हुआ है ई बेस पर याद रखिएगा और यहां पर है आपका टाइम तो अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे लॉग वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है या हम कहें लॉग रिएक्टेंट वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है यह रहा है. ये पहली ऑब्जर्वेशन यहां पर की गई थी ठीक है तो यहां पर अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यहां पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन की गई जरा देखिए तो यहां जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन की गई वो ये की गई कि लॉग Reactant versus time का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है चाहे आप प्रेशर को चेंज कर दीजिए लेकिन आपका ग्राफ क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यहां पर की गई थी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी ठीक हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है लेकिन आपको भी पता है जैसे ही आपने प्रेशर चेंज कर रखा है तो आपको देखिए तीनों ग्राफ क्या सेम है नहीं तीनों ग्राफ का नेचर सेम है नेचर इन सेंस स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर भी ये फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा है यहाँ भी ये फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा है यहाँ भी ये फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा है लेकिन तीनों ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन है उसके बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इन तीनों ग्राफ की स्लोप चेंज है क्या चेंज है स्लोप अलग अलग है स्लोप इज डिफरेंट तो इट मीन्स प्रेशर चेंज करने से हमारी स्लोप में चेंज आ रहा है और अगर ऐसा है प्रेशर चेंज करने से हमारी स्लोप में चेंज आ रहा है इट मींस अपना रेट कॉन्स्टेंट इट मींस अपना रेट कॉन्स्टेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर याद रखिएगा तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहां से इतनी बात से हमें समझ में आया कि ये जो रिएक्शन है भाई ये फर्स्ट ऑर्डर है और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर से दो बातें समझ में आई क्या पहली बात समझ में जो आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट जो है रिएक्शन का उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे देखिए? रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ऑब्जर्व ये ऑब्जर्व करेंगे हम क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे है ना या के यूनिमोलिकुलर भी इसको लिखा जाता है रेट कॉन्स्टेंट यूनिमोलिकुलर रियक्शन के लिए ठीक और यहां पर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की सपोज ए है की पावर वन क्योंकि ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है तो ये यहां पर हम रेट के बारे में ऐसे लिख सकते हैं क्लियर तो रेट हमारा हर बार कैसा आएगा ऐसा आएगा के ऑब्जर्व की पावर है ना के ऑब्जर्व इनटू कंसेंट्रेशन ए अब यहाँ पर अगर हम सिंपली फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको भी पता है कि लॉग इज इक्वल टू लॉग ए नॉड माइनस के टी क्या माइनस के टी तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि आपका जो ग्राफ है आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप ऑफ माइनस के और ये माइनस के कुछ और नहीं ये के यूनी मोलिकुलर है क्लियर है ये यूनि मोलिकुलर है यानी के ऑब्जर्व ही है एक तरह से ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ठीक और आपकी स्लोप चेंज हो रही है अगर आपकी स्लोप चेंज हो रही है इट मीनस आपका के वैल्यू चेंज हो रहा है यही तो आपकी स्लोप है यही तो आपकी स्लोप है और प्रेशर चेंज करने से आपकी स्लोप चेंज हो रही है ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है इट मींस आपका रेट कांस्टेंट यस रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है प्रेशर पे सारे ही फर्स्ट ऑर्डर है बट पहले बता रहे हैं के ऑब्जर्व या के यूनिमोलिकुलर जो है ये प्रेशर पे डिपेंड करता है डिपेंड ऑन प्रेशर है ना ये प्रेशर पे डिपेंड करता है तो अगर इन तीनों में से आपसे कोई ग्राफ पूछ ले हाई प्रेशर पे किसका ग्राफ होगा लो पे किसका होगा तो हाई प्रेशर पे इसका ग्राफ आएगा है ना जो नेगेटिव स्लोप ज्यादा दिख रही है वो हाई प्रेशर का होगा जिसमें नेगेटिव स्लोप कम है वो लो प्रेशर का आपको देखने को मिलने वाला है क्लियर है वो लो प्रेशर आपको मिलने वाला है और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका मॉडरेट प्रेशर होगा क्या होगा मॉडरेट प्रेशर होगा ठीक है हाई प्रेशर है तो उसकी नेगेटिव स्लोप ज़्यादा होगी वो ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा तो ये यूनिमोलिकुलर थ्योरी में इतना जरूर समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं है ना गैस की रिएक्शन हो रही है एक ही गैस है उसकी रिएक्शन हो रही है प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है मैकेनिज़्म समझेंगे कि, कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है क्या उसका मैकेनिज्म है 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 ना वो सारी चीज़ें हम देखेंगे लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्सपेरिमेंटल समझ में आया कि रेट कॉन्स्टेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे प्रेशर पर ठीक है इतना क्लियर हुआ रेट कांस्टेंट हमारे प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है इसकी क्या फॉर्मूले हैं वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं तो शेयर करते रहिए सेशन को है ना चलिए अब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि यूनिमोलिकुलर थ्योरी में रिएक्शन किस तरीके से हो रही है क्या मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है ना तो चलिए देखते हैं क्या मैकेनिज्म दिया गया इसका तो देखिए यहां पर आपको ये तीन एटम दिखाई दे रहे हैं दिख रहे हैं सबको यहाँ पर आपको तीन एटम दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट एटम, सेकंड एटम एंड दिस इज ही, ही, तो ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और इनका नाम मैंने ए दे रखा है क्या है ए नाम है इनका है ना तो पहला भी ए है दूसरा भी ए है और तीसरा भी ए मॉलिक्यूल ही है या एटम है क्लियर है अब अगर मैं आपको इस थ्योरी को मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होगा देखिए ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी यूनिमोलिकुलर थ्योरी दी गई है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए है इट मींस ये सारे ही गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है कि ये आपस में इधर उधर मूव कर सकते हैं है ना और आपस में कोलिजन भी कर सकते हैं तो चलिए ये वाला मॉलिक्यूल अब इसके साथ टकराने जाने वाला है ठीक है और इसकी देखिए टकराने के बाद क्या हुआ यह मॉलिक्यूल इससे टकराएगा और इधर चला जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या हुआ देखिए फिर से समझिए मॉलिक्यूल यहां से टकराया और क्या हुआ यहां पर इसके साथ देखिए सेम ही मॉलिक्यूल है या सेम ही आइटम्स से है आपस में टकराए तो यह जैसे ही आपस में टकराया इस तरफ चला गया या तो ऐसा हो सकता है कि कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद वो एटम वापस चला गया अपनी डायरेक्शन चेंज करके वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या हो सकता है देखिए ये हमारा फर्स्ट केस एटम टकराया और इस रास्ते पे वापस चला गया कहीं से कोलाइड होकर दूसरी डायरेक्शन में वो चला गया या फिर ऐसा भी हो सकता है साथ ही साथ दोनों पॉसिबिलिटी है कि वहां से ये जो एटम है इसके पास क्या आ गई हाई एनर्जी आ चुकी है आ चुकी है हाई एनर्जी आ चुकी है ठीक अब इस मॉलिक्यूल के पास या एटम के पास एक हाई एनर्जी आ चुकी है अभी यह आपका किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है सिर्फ इसके पास एनर्जी ज्यादा आ चुकी है फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए लेट सपोज ये अभी टू मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे घूम रहा था और यहां पर यह 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा था इसने इसमें टक्कर मार दी तो अब इसके पास एनर्जी ज्यादा आ चुकी है अब इसके पास हाई एनर्जी है ठीक है अब इसके पास अगर हाई एनर्जी है तो इसको हम कहते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है अब इसके बाद क्या हो सकता है इस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल पर इस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल पर या तो ये फिर से कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर जाएगा या तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोई कोलाइड कर जाएगा या फिर ये जो मॉलिक्यूल है जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो चुकी है वो प्रोडक्ट दे देगा तो दो केस यहां भी बनेंगे देखिए ठीक देखिए तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल इससे टकराया और यहां पर चला गया इट मीन अगर आप इसके रास्ते को देखेंगे तो मॉलिक्यूल ऐसे गया और ऐसे कोलाइड होकर वापिस चला गया यहां पर दो केस बन सकते हैं या तो ये वापिस चला जाए रिएक्टेंट में ठीक इसने अगर इससे एनर्जी ले ली है तो अब इसकी एनर्जी लो हो जाएगी तो ये वापस चला जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने इसको और एनर्जी दे दी है और ये प्रोडक्ट में चला गया है ठीक है तो इस तरीके से भी हो सकता है देखिए तो या तो ये वापस चला जाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अपनी एनर्जी को लो कर देगा या फिर अगर इससे कोई कोलाइड नहीं किया तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा ये प्रोडक्ट में चला जाएगा देखिए क्लियर तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट में चला जाएगा क्लियर इस तरीके से ये आपका पूरा मैकेनिज्म है तो अगर आप मैकेनिज्म को सही से समझ पाए तो आपको सच में मजा आने वाला है देखिए क्यों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपका ए मॉलिक्यूल था ठीक है तो ये आपका ए मॉलिक्यूल था ये भी आपका ए मॉलिक्यूल था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था और ये आपका एक्टिवेटेड एटम था एक तरह से या हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल कहें ठीक और ये आपका फिर से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था समझ में आया और ये आपका प्रोडक्ट है तो अगर इसके मैकेनिज्म को आप लिखना चाहेंगे एक लाइन में तो कैसे लिखेंगे देखिए इस तरीके से लिखेंगे देखिए तो अगर मान लेते हैं ए से ए अगर कोलाइड किए तो ए स्टार बन रहा है ठीक है ये ए डैगर नहीं है ये ए स्टार है इसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है सिर्फ ठीक है इसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है ठीक तो अगर हम यहां पर देखें तो आप कह सकते हैं कि ये रेट कांस्टेंट के वन और ये रेट कांस्टेंट के इनवर्स और इसको कहेंगे के टू इसको कहेंगे के टू क्लियर है है ना इस तरीके से यहां पर के वन के इनवर्स के टू आपके सामने आ गई तो इन शॉर्ट इसको ऐसे लिखा जाता है पूरा ए प्लस ए स्टार ए आपको क्या दे रहा है ए स्टार दे रहा है इस तरीके से और ए स्टार से आप जा रहे हैं पी में और ये है आपका वन और ये है आपका K और ये ये है 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 आपका क्लियर अब ये K1 क्या है? K क्या है? K2 क्या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं और ऐसे आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ कैसे निकाला जा सकता है एस एस ए का इस्तेमाल करके स्ट्रीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप यहाँ पर ईजिली स्टार की वैल्यू निकाल पाएंगे और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को भी निकाल पाएंगे तो हम थ्योरेटिकल पोर्शन से के के ऑब्जर्व यानी की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं ठीक है चलिए तो देखते हैं जरा हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए तो हमारे पास जो रिएक्शन है जो मैकेनिज्म आया वो क्या आया ए प्लस ए आपका कोलाइड होता है और ये कोलाइड होकर इस तरीके से ए स्टार बनाता है और ए स्टार के बाद आपका प्रोडक्ट बनता है ये आपका के वन ये आपका के आपका के इनवर्स और ये आपका के टू और अगर आप यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप यहां पर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या से आएगा k2 a स्टार है ना इस तरीके से आएगा अब ये a स्टार की वैल्यू को कैसे निकाले बाय अप्लाईंग द एसएससी स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए a स्टार की वैल्यू आप निकाल लेंगे बात समझ में आया तो इसको आप खुद करके देखिएगा एसएससी लगाकर क्या एक्सप्रेशन आता है ना तो देखिए यहां पर जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो क्या आएगा आप इसको खुद ट्राई करके देखिएगा ठीक है चलिए तो जल्दी बताइए समझ में आया तो यहां से अगर आप ए स्टार की वैल्यू को निकालेंगे एस एस से लगाकर तो जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन आपके लिए आने वाला है वो क्या आने वाला है ध्यान से देखिए तो फाइनली जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका आएगा वो कुछ ऐसा आएगा k2 टू इंटू के वन इंटू ए स्क्वायर अपॉन में के टू प्लस के इनवर्स इंटू ए के टू प्लस के इनवर्स ए ठीक है तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा पूरा एस एस ए लगाकर ए स्टार की वैल्यू निकालेंगे यहां पुट करेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन यहां पर आने वाला है चाहे तो करके देखिएगा है ना तो ध्यान से एस एस ए लगाइएगा आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आपकी एस एस ए लगाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ ये डेरिवेशन भी आपको समझ आ जाएगा तो फॉर्मूला कभी याद नहीं करना पड़ेगा और अगर याद रखना चाहते हैं फॉर्मूला तो ऐसे याद रखिए टू वन जा टू है ना और टू में से माइनस वन गया तो भी वन इस तरीके से याद आ जाएगा आपको फॉर्मूला तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका इस तरीके से आएगा ठीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला हमने थ्योरिटिकली निकाला तो ये फॉर्मूला हमने थ्योरिटिकली निकाला है ठीक है थ्योरिटिकली निकाला है और एक्सपेरिमेंटली हमने क्या फॉर्मूला निकाला था बताइए एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला था वो हमने बताया कि वो फर्स्ट ऑर्डर है है ना फर्स्ट ऑर्डर है इट मीन के यूनिमोलिकुलर कांस्टेंट कॉन्स्टेंट यूनिमोलिकुलर के लिए इन टू कंसेंट्रेशन ए तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली बताया था ये हमने एक्सपेरिमेंटली बताया ठीक तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली बताया है क्लियर है तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली बताया है क्या चीज एक्सपेरिमेंटली आया हमारा कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिमोलिकुलर इंटू कंसनट्रेशन ए तो अगर हमारा रिएक्शन का रेट थियोरिटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों सेम है दोनों चीज़ें सही हैं तो हम इसको अगर कंपेयर कर दे इन दोनों को आपस में अगर कंपेयर कर देते हैं तो हमारे पास के यूनिमोलिकुलर की वैल्यू आ जाने वाली है और अगर के यूनिमोलिकुलर की वैल्यू आ जाएगी तो देखिए क्या आएगी के यूनिमोलिकुलर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा के वन इंटू के टू ध्यान से करिएगा के वन इंटू के टू इंटू कंसेंट्रेशन ए है इस तरीके से ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इस एक एक्सप्रेशन के ऊपर कई बार कई जगह क्वेश्चन आए हुए हैं इतने क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर कि मैं बता नहीं सकता है ना बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं और दो तीन क्वेश्चन तो मैंने इसके कॉन्टेस्ट में भी अच्छे अच्छे दिए हैं तो बिल्कुल कॉन्टेस्ट प्ले करिए वहां भी काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ठीक अब अगर आपसे पूछा जाए हाई प्रेशर पे क्या होगा लो प्रेशर पे क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं देखिए कैसे हाई प्रेशर पे याद रखिएगा हाई प्रेशर की बात अगर है तो कंसंट्रेशन ए आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी है ना कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ठीक और अगर लो प्रेशर है गैस का प्रेशर लो है तो गैस मोलिकुल्स दूर दूर होंगे मतलब कंसेंट्रेशन कम होगी तो लो प्रेशर पे कंसेंट्रेशन कम होगी क्लियर है तो इस बेस पे अगर आप देखेंगे हाई प्रेशर के लिए देखेंगे तो हाई प्रेशर पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आपकी कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है इट मीनस के टू आपका नेगलेक्ट हो जाएगा और के टू हो जाएगा तो जो के यूनिमोलिकुलर है हाई प्रेशर पे वो क्या हो जाएगा के वन के टू अपॉन के इनवर्स ये हो जाएगा इट मीन्स आपका जो रेट है रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट हो गया हाई प्रेशर पे बात समझ में आया हाई प्रेशर पे आपका रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट हो गया और वहीं पर अगर रिएक्शन के रेट की बात करें तो रिएक्शन का रेट फर्स्ट ऑर्डर हो गया ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोग गलतियां कर, कर कर के आते हैं एग्जाम में फिर कहते हैं सर गलत हो गया गलत कहां होता है दो चीजें पूछी जाती हैं आपसे कि रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड कर रहा है ठीक है और पूछा जाता है रिएक्शन का ऑर्डर बताइए जब भी आपसे रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए ध्यान सुनिए जब भी आपसे रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो ध्यान से ऐसे करिएगा रेट इज इक्वल टू के यूनिमोलिकुलर इन टू कंसेंट्रेशन ए अब ये चीज तो इंडिपेंडेंट है तो रेट यहां पर सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है ए की पावर वन पे डिपेंड कर रहा है तो एट हाई प्रेशर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इज इक्वल टू बट रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर प्रेशर तो आप इस टर्म को लिख लीजिए अपनी कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और लोग गलत करके आते हैं है ना कई बार लोग समझ में नहीं आता कि कब इंडिपेंडेंट है कब फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड है तो रिएक्शन का ऑर्डर पूछा हाई प्रेशर पे तो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर से और अगर रेड कांस्टेंट की बात कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है क्लियर है समझ में आया तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक चलिए तो अब हम जरा नेक्स्ट आगे देखते हैं तो जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए सेशन है ना तभी मजा आएगा आगे ओके चलिए तो ये हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म था अब यहां पर थोड़ा सा ग्राफ किस तरीके से आने वाला है ग्राफ कैसे बनते हैं वो सारी चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा दीजिए चलिए सॉल्व करिए तो यहां पर ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो आपके पास क्या दिया है दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल है ना जो कि एक ही जैसे हैं ए प्लस ए आपस में टकरा रहे हैं और आपके पास ये ए स्टार मिल रहा है जिसकी एनर्जी ज्यादा है है ना अब ए स्टार से या तो वो वापिस जा सकता है रिएक्टेंट में या ए स्टार से वो प्रोडक्ट में भी जा सकता है और आपसे बोला गया है स्लोप एंड इंटरसेप्ट जो प्लॉट है वन बाय के यूनिमोलिकुलर का वन बाय के साथ वो क्या है फोर इंटू टेन एस टू पावर सिक्स है और एट इंटू टेन एस टू पावर इलेवन है अगर इस तरीके से है तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगी के इनवर्स अपॉन के टू की तो के इनवर्स अपॉन के टू की वैल्यू आपको निकालनी है बहुत ही सिंपल है कैसे सबसे पहले आपको के यूनिमोलिकुलर का फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर आपको के यूनिमोलिकुलर का फॉर्मूला पता है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं देखिए कैसे तो के यूनिमोलिकुलर का फॉर्मूला यहाँ लिखिए तो क्या है के यूनिमोलिकुलर का फॉर्मूला के टू इंटू के वन अपॉन के टू प्लस के इनवर्स इंटू ए और यहाँ पर भी आएगा ए तो ये हमारा फॉर्मूला है और यहां पर इन्होंने एक की जगह एम लिख रखा है एक ही बात है ठीक है अब इसका रेसी प्रोकल कीजिए क्योंकि यहां पर बोला है अपॉन यूनि इट इसको एक्सिस पे लिया गया है और इसको एक्स एक्सिस पर लिया गया है अगर इस तरीके से इसको y और इसको x एक्सिस पे लिया है इट इटमीन्स आपका इसको रेसी प्रोकल करके आपको देखना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है या नहीं है क्योंकि स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है इट इटमीन्स ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए अब अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं तो रेसिप्रोकल कीजिए तो वन अपॉन के यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू जल्दी से रेसिप्रोकल कीजिए तो के टू अपॉन के टू के वन इंटू ए प्लस के इनवर्स अपॉन के टू इंटू के वन k इनवर्स k2 into k1 देख लीजिए ध्यान से तो इस तरीके से आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो k2 upon k2 है ना into k1 into a इस तरीके से आएगा k इनवर्स a तो यहाँ पर a भी लिख देते हैं और यहाँ पर भी a लिख देते हैं तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ठीक तो ध्यान से करना k इनवर्स k1 into k2 चलिए अब ठीक है अब इसको जरा कटपिट कर देते हैं थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं तो देखिए के टू यहाँ पर डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई के वन बचेगा नीचे और ऊपर बचेगा वन ठीक और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कंसेंट्रेशन ए ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपका वाई एक्सिस पे है और ये आपका वन अपॉन ए जो है ये आपका क्या है ये एक्स एक्सिस पे है स्लोप आपकी वन बाई के वन है तो वन बाय के वन आपकी स्लोप है जिसको हम एम कह रहे हैं और यहां पर आप इसको नोटिस करेंगे तो दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट जिसको हम सी कह रहे हैं तो वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके सामने यहां पर मिलने वाला है तो यही हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि के इनवर्स अपॉन के टू की वैल्यू बता दीजिए तो बता देंगे बताइए कैसे के इनवर्स अपॉन के टू तो स्लोप क्या है हमारे पास और इंटरसेप्ट हमें दिया है देखिए तो स्लोप क्या है लिखिए यहां पर स्लोप हमको दिया है कितना फोर इंटू टेन की पावर सिक्स और इंटरसेप्ट दिया है हमको कितना इंटरसेप्ट हमको दिया है कितना एट इंटू टेन की पावर इलेवन एट इंटू टेन की पावर इलेवन ठीक है तो स्लोप और इंटरसेप्ट हमें दिया है अब स्लोप और इंटरसेप्ट अगर हमें दिया है तो इससे हमें के इनवर्स अपॉन के टू की वैल्यू कैसे मिलने वाली है इसको हम जरा देखते हैं चलिए ठीक तो यही देख लेते हैं देखिए तो स्लोप की वैल्यू क्या है स्लोप की वैल्यू है यहां पर देखिए वन अपॉन के वन तो स्लोप है आपका वन अपॉन के वन और यहीं पर इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है अपॉन के टू इंटू के वन तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यहां पर के टू नीचे ही चाहिए इट मीनस इंटरसेप्ट को डिवाइड कर दीजिए स्लोप से इंटरसेप्ट को डिवाइड कर दीजिए स्लोप से ध्यान सुनिए इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय स्लोप ये चीज आपको कैसी दिखाएगी ये चीज आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी देखिए तो के इनवर्स अपॉन के टू इंटू के वन इंटू आपका आएगा, 1 upon K1. ठीक इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो के वन के वन कैंसिल हो जाएगा तो के इनवर्स अपॉन के टू ही आ रहा है और इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू आपको गिवन है इंटरसेप्ट कितना है भाई एट इंटू टेन रेस टू पावर इलेवन और स्लोप कितना है फोर इंटू टेन एस टू पावर सिक्स इसको आप सॉल्व करेंगे तो टेन एस टू पावर फाइव और ये हो गया आपका टू टू इंटू टेन एस टू पावर फाइव आपका आंसर आ गया अरे जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो है ना सही तो है जल्दी बोलो शेयर कर दो सेशन को टू इंटू टेन एस टू पावर फाइव आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है क्लियर है हाँ बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से करेक्ट है चलिए क्लियर है तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें यूनिमोलिकुलर थ्योरी के अंदर आती है तो आपको सिर्फ यूनिमोलिकुलर थ्योरी के अंदर एक ही फॉर्मुला याद रखने की ज़रूरत है और उस फॉर्मले का नाम है के यूनिमोलिकुलर रेड कॉन्स्टेंट यूनिमोलिकुलर का क्या होता है और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया तो स्लोप और इंटरसेप्ट जैसे वाले क्वेश्चन इतने सारे पूछे गए हैं सारे के सारे आप बना सकते हैं ठीक है तो सिर्फ एक फॉर्मुला आपको याद रखना है ठीक और उसे भी याद नहीं रखना पड़ेगा अगर आपने एस एस ए लगा के उसको भी डिराइव कर लिया तो उसको भी याद नहीं रखना पड़ेगा ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी तो कॉलिजन थ्योरी क्या है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जरा उसको समझते हैं मजेदार तरीके से चलिए तो बहुत ही मजेदार थ्योरी है कॉलिजन थ्योरी है ना तो आ जाइए कोलिजन थ्योरी तो कॉलीजन थ्योरी सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी बाय मोलिकुलर रिएक्शन के लिए पढ़ी थी जहां पर दो मॉलिक्यूल आपस में सा एक टाइम पर कोलाइड हो रहे थे और प्रोडक्ट दे रहे थे तो कॉलीजन थ्योरी जो हमें आप पढ़ने वाले हैं ये गैसियस फेज के लिए पढ़ रहे हैं पहली बात और बाय मोलिकुलर रिएक्शंस के लिए हम जनरली पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो मोलिक्यूल या दो एटम या आपका कोई भी एटम या मोलिक्यूल है उसको सबसे पहले हार्ड और रिजिड इस्फेयर मान लिया गया है ध्यान सुनिए हार्ड एंड रिजिड इस्फेयर मान लिया गया है तो यहाँ पर जो बात की जाती है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी से रिलेटेड बात होती है रोटेशनल वाइब्रेशनल जो एनर्जी है उनको यहाँ पर ये यह इग्नोर करके चलता है क्योंकि आपने हार्ड और रिजिड इस्फेयर मान लिया है किसी भी चीज़ को तो उस वजह से यहाँ पर उन सब चीज़ों को ये नेग्लेक्ट करके चलता है मेन जो यहाँ पर काम करता है वो कौन सा ट्रांसलेशनल एनर्जी इसीलिए कहा जाता है कॉलिजन थ्योरी के अंदर दो मॉलिक्यूल या दो एटम आपस में टकरा रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि टकराने के बाद कुछ हो सके टकराने के बाद कुछ हो सके है ना कॉलिजन होने के बाद प्रोडक्ट बन सके या तो ऐसा होना चाहिए या अगर ऐसा नहीं हो रहा है या अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो टकरा रहा है तो उसी हिसाब से वापिस चला जाएगा इनके बीच में कोलिजन कैसे हैं इलास्टिक है ठीक है कॉलीजन आर इलास्टिक बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स ये और एटम्स ये एजम्पन है हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है इलास्टिक कोलिजन पूरी तरह नहीं होता है लेकिन इस थ्योरी में एजम्पन थी कि आपका एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो भी है सबको एक हार्ड एंड रिजिड स्पेयर माना जाएगा तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं की गई है ठीक है सबको एक रिजिड स्फेयर की तरह मान लिया गया है ट्रीट किया गया है और इलास्टिक कोलिजन एज्यूम किया गया है और इन मॉलिक्यूल के पास या एटम के पास इतनी क्रिटिकल एनर्जी होनी चाहिए मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये आपस में कोलाइड करे तो प्रोडक्ट मिलेगा अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो उस कोलिजन से कोई फायदा नहीं होने वाला है ठीक है उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा गुड इवनिंग कौशिक जी गुड इवनिंग है ना उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है तो कोलिजन थ्योरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है है ना पहला एजम्सन है कि हार्ड एंड रिजिड स्फेयर होता है तो हार्ड एंड रिजिड स्फेयर हम मान लेते हैं एटम को तो एटम को हम क्या मान लेते हैं हार्ड एंड रिजिड स्फेयर मान लेते हैं सबसे पहली बात यह है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं मिनिमम क्रिटिकल एनर्जी होनी चाहिए ठीक मिनिमम क्रिटिकल एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम क्रिटिकल एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट है ना टू फॉर्म द प्रोडक्ट अगर आपके पास मिनिमम क्रिटिकल एनर्जी है तभी आप प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे कोलिजन के टाइम अदरवाइज कोलिजन के टाइम कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ये दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है क्लियर है चलिए अब हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के अंदर समझे कैसे चीजों को तो सीधी सी बात है यहां पर यहां पर आपके जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं ये थ्योरी क्या कहती है समझिए इस बात को ये थ्योरी ये कहती है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो बन कैसे रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे आपस में अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने आप ही तो प्रोडक्ट में बन नहीं जाएगा कुछ ना कुछ तो चेंजेस करेगा या तो अपने आप में चेंजेस करेगा या तो किसी से कोलिजन करेगा तो ये थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल और एटम जो भी हैं आपस में कोलिजन कर रहे हैं और कोलिजन की वजह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बात समझिए कोलिजन की वजह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है अगर मुझे पता करना है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग की रिएक्शन का रेट क्या है कि रिएक्शन का रेट क्या है तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि किस रेट से हो रहा है फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पर लड़ाई चल रही है और वहां पे लड़ाई बहुत धीरे धीरे चल रही है वो धीरे से उसको घुसा मार रहा है वो उसको धीरे से घुसा मार रहा है आराम आराम से लड़ रहे हैं एकदम है ना और कहीं पे लड़ाई चल रही है बहुत तेजी से बहुत तेजी से घूसे मार रहे हैं उसको है ना तो इस तरीके से डिपेंड करता है कॉलिजन रेट पे तो ये डिपेंड करता है कि कॉलिजन किस स्पीड से हो रहे हैं और उसमें भी डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे तो वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं ठीक है वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं चलिए तो देखते हैं जरा कैसे होगी ये सारी चीजें तो कॉलिजन थ्योरी हमारी किस तरीके से काम करने वाली है देखिए तो इसके लिए दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी जैसे कि इंपैक्ट पैरामीटर ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी इंपैक्ट पैरामीटर कि ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या है भाई है ना इसका क्या लेना देना है हमारे से ये क्या बताएगा हमें इंपैक्ट पैरामीटर को कहते हैं स्मॉल बी से डिनोट करते हैं इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले फिर इसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सिग्मा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सिग्मा तो ये दो चीजें समझ लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमें कॉलिजन थ्योरी समझना चलिए देखते हैं कैसे तो ये आ गया हमारे सामने इंपैक्ट पैरामीटर ये देखिए एटम हंसता हुआ आपके सामने यहां पर है है ना तो जल्दी से शेयर कर दीजिए देखिए आपके साथ हंस रहा है है ना और ये एटम आपके साथ हंस रहा है और साथ ही साथ स्टेशनरी है रुका हुआ है आपके लाइक्स का इंतजार कर रहा है जल्दी से लाइक्स कर दीजिए शेयर कर दीजिए है ना चलिए जल्दी से तो ये देखिए यहाँ पर हंस रहा है और रुका हुआ है ये आपके लिए रुका है देखिए ये आपके लिए ही रुका हुआ है और इसको मैंने बी नाम दे रखा है स्टेशनरी है ये ठीक है स्टेशनरी है और ये रुका है हसरा है अब हमें देखना है अब हमें इसकी हंसी को ख़त्म करना है है ना ये बहुत हंस रहा है तो इसकी हंसी को खत्म करना है चलिए तो यहाँ पे हम देखिए मैंने ढेर सारे ऐटम यहाँ पे लगा दिए हैं अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या ये करेंग कोलिजन करेंगे या नहीं करने वाले हैं है ना क्या ये कोलिजन करेंगे या नहीं करने वाले हैं बताइए किसको चेक करें सबसे पहले इसको चेक करते हैं नीचे वाले ऐटम को है ना कि ये नीचे वाला एटम कोलिजन करने वाला है या नहीं करने वाला है अरे शेयर कर दो जैसे ही शेयर करोगे वैसे ही ऐटम निकल के भागेगा है ना चलिए जल्दी से शेयर कर दो एटम निकल के भागेगा वहां से चलिए है ना देखिए अब देखते हैं ये जो मॉलिक्यूल या एटम यहाँ पर है ये जो मूव कर रहा है क्या ये कोलिजन करेगा या नहीं करेगा चलिए क्या ये इससे कोलिजन करेगा या नहीं करेगा क्या ये अभी भी हंसता रहेगा या अब ये रोने वाला है चलिए देखते हैं तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये देखिए ये यहां से निकल गया चुपचाप इसने इसके साथ कोई कोलिजन नहीं किया ये इसीलिए अब भी हंस रहा है तो जल्दी से, से शेयर करते रहिए है, है ना तभी मजा आएगा देखिए अभी भी हंस रहा है क्योंकि इसके साथ कोई कोलिजन नहीं हुआ है कोई कोलिजन नहीं हुआ है है ना अब देखते हैं दूसरे वाले की बात करते हैं इसकी बात करते हैं क्या ये कोलिजन करेगा क्या ये कोलिजन करेगा चलिए देखते हैं क्या ये कोलिजन करने वाला है क्या इसकी हंसी अब खत्म होने वाली है या ये अब भी हंसने वाला है है ना चलिए तो शेयर करते रहिए बहुत मजा आने वाला है ये देखिए ये इसके कोलिजन किया ये इसके साथ कोलिजन कर गया देखिए ये इसके साथ कोलिजन कर गया अब इसकी हंसी अब इसकी हंसी नहीं रहेगी क्यों क्योंकि इसने इसके दांत तोड़ दिए इसने इसके दांत तोड़ दिए देख लीजिए है ना तो इसने इसके साथ कोलिजन किया भाई इसने इसके साथ कोलिजन किया और इसने इसके दांत तोड़ दिए देख रहे हैं आप इसने इसके दांत तोड़ दिए देखिये यहां पर कोलिजन हुआ यहां पर कोलिजन हुआ है देखिए यहां पर कोलिजन हुआ है समझ में आया यहां पर कोलिजन हुआ है क्लियर है अब इसी तरीके से देखते हैं क्या बाकी वाले जो एटम्स हैं वो भी इसके साथ कोलिजन करेंगे या नहीं करेंगे गुड इवनिंग कौशिक जी ठीक है चलिए अरे शेयर करते रहिए ठीक देखिए तो क्या बाकी कोलिजन करेंगे बिल्कुल करेंगे अगले वाले ने उसके सर को फोड़ दिया है है ना देखिए अगले वाले ने उसके सर को फोड़ दिया है देखिए ये देखिए इसके सर के ऊपर कोलिजन किया है किया है कि नहीं है ना तो इस तरीके से ये भी कोलिजन किया है है ना अब देखते हैं क्या बाकी एटम्स यहां पे कोलिजन करेंगे या नहीं करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं चलिए तो देखेंगे जरा कि बाकी एटम कोलिजन करेंगे कि नहीं करेंगे ठीक है तो देखिए तो ध्यान से देखिए मैं मैं इस वाले एटम को फेंक रहा हूं उठा के तो देखिए ये मैंने इसको फेंक दिया तो क्या इसने कोलिजन किया नहीं किया क्या इसने कोलिजन किया नहीं किया भाई नहीं किया अब देखते हैं जरा जरा ऊपर वाले को, एटम को फेंकते तो ये मैंने इसको फेंक दिया क्या इसमें कॉलिजन किया नहीं किया भाई नहीं किया नहीं किया ये भी निकल गया चुपचाप अब सबसे ऊपर वाले एटम को देखते हैं क्या ये कॉलिजन करेगा देखिए ये भी नहीं किया नहीं किया ना तो ये भी कॉलिजन नहीं किया तो आपको यहां समझ में आया कि कुछ तो ऐसा है कुछ तो ऐसा पैरामीटर हम बता सकते हैं जो हमें यह बताएगा कि कोलिजन होगा या नहीं होगा सबसे पहली बात तो यही है ना गैस मॉलिक्यूल भाई यहां पर भरे पड़े हैं एक रूम के अंदर अब वो आपस में कोलिजन करेंगे लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हर बार कोलिजन ही कर रहे हैं कई बार वो उसके पास से चला जाएगा कई बार उससे बहुत दूरी से जा रहा है है ना तो कब कोलिजन होगा कब कोलिजन नहीं होगा ये कौन बताएगा ये इम्पैक्ट पैरामीटर बताएगा कौन बताएगा इम्पैक्ट पैरा मीटर बताएगा क्लियर है इंपैक्ट पैरामीटर क्या है जरा इसको समझते हैं अब देखिए यहां पर ध्यान से तो यहां पर आप देखिए बी की वैल्यू को नोटिस कीजिए तो इम्पैक्ट पैरामीटर हमें बताएगा कोलिजन होगा कि नहीं होगा तो ये जो बी की वैल्यू है इसको नोटिस कीजिए ये वैल्यू अगर बहुत छोटी है है ना तो आपका कोलिजन हो रहा है लेकिन अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो आपका कोलिजन नहीं हो रहा है तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस बी की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए कोलिजन के लिए तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है देखिए मिनिमम वैल्यू तो बी की कम से कम जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो बी की जीरो हो सकती है है ना अगर बी की वैल्यू जीरो है तो वो इसके एकदम सीधे इस पे हेड ऑन कोलिजन करेगा इस पे सीधे हेड ऑन कॉलिजन करने वाला है और अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं है तो बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जो ये जस्ट टच करके चला जाए इसके बालों को छू के चला जाए देखो तो इसके बालों को अगर छू के चला जाएगा जस्ट ऐसे तो यहां से एटम है जस्ट जा सकता है इसको टच करके यहां से इसको एटम टच करके जस्ट जा सकता है तो बी की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए जीरो और मैक्सिमम हो सकती है इसके रेडियस के बराबर है ना इसके रेडियस के बराबर इसके रेडियस से देखिए इसका रेडियस और इसका रेडियस के सम के बराबर हो सकती है बी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बी की आर ए प्लस आर बी तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ये और मिनिमम हो सकती है जीरो समझ में आया समझ में आया इंपैक्ट पैरामीटर से तो इंपैक्ट पैरामीटर की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो उन दोनों एटम के रेडियस के सम के बराबर होगा और मिनिमम वैल्यू की बात करें इंपैक्ट पैरामीटर की तो मिनिमम वैल्यू जीरो होगी है ना सामने सामने से कोलिजन हो रहा है हेड ऑन कोलिजन हो रहा है समझ में आया इस तरीके से होगा ठीक तो ये इंपैक्ट पैरामीटर हम यहाँ पर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बता सकते हैं अगर हमें गैसियस एटम के बारे में पता है तो है ना गैसियस एटम के बारे में पता है तो उसकी रेडियस हमें पता होगी तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हम वैसे ही बता सकते हैं क्लियर अब जरा समझ लेते हैं थोड़ी सी बातें आगे आ हा अब क्रॉस सेक्शन एरिया को समझेंगे तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहता है ये देखिए मेरे पास ये एटम है है ना बहुत प्यारे प्यारे एटम है देख लीजिए चार एटम यहां पर मैंने बना के दिखा है अब ये चारों एटम घूमने वाले हैं देखिए और ये फिर से हंस रहा है इसकी हंसी अब खराब होने वाली है देखते रहिए ये आया पहला एटम ये आके इसके साथ जस्ट टच कर गया क्या कहा जस्ट टच कर गया है अब दूसरा एटम भी आएगा भाई आजा देखो मैं उसको बुलाता हूं भाई आजा जल्दी आजा आ गया आ गया देखिए आ गया ये एटम भी यहाँ पर आ चुका है क्लियर है अब थर्ड वाले एटम को बुलाते हैं चलिए आजा भाई जल्दी से आजा आजा ये भी आ गया देखिए फोर्थ वाले एटम को बुलाएंगे भाई आजा देखिए ये भी आ गया चारों एटम मेरे बुलाने से आ गए देख रहे हैं आप इस तरीके से ये एटम यहाँ पर कोलिजन कर रहे हैं और कोलिजन से अगर हम देखें इनके सेंटर्स को जोड़े इनके सेंटर्स को जोड़ते हैं तो एक सर्कल यहां पर बनता है एक सर्कल यहाँ पर बनता है देखिए ध्यान से एक सर्कल यहां पर बनता है और इसी सर्कल को कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया इसी सर्कल को कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया याद रखिएगा क्या है ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये वो एरिया है जहां पे कोलिजन होंगे है ना ये वो एरिया है जहां पे कोलिजन होंगे बात समझ में आ रहा है और इस एरिया की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप बहुत ही सिंपल है देखिए कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी पाई रेडियस क्या होगी रेडियस क्या होगी देखिए रेडियस होगी आपकी आर ए प्लस आर बी आर ए प्लस आर बी समझ में आया आर ए प्लस आर बी होगी तो पाई आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर समझ में आया और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से क्रॉस सेक्शन एरिया इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से तो सिग्मा आ गया हमारा किसके बराबर पाई आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर समझ में आया देखो कैसे कोलिजन कर रहा था है ना मजा आ रहा था उसको कोलिजन करने में क्लियर है हाँ चारों अटैक कर दिए कोलिजन हो गया ठीक तो इस तरीके से जो आपके सामने एक सर्कल बनेगा उसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं ठीक है और उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अरे क्लियर है अरे मजा आ रहा है तो शेयर कर दो सेशन को है ना लाइक कर दो ठीक और इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कैटालिसिस के ऊपर उसका कॉन्टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है आईएफएस के ऐप पे तो आईएफएस के ऐप को डाउनलोड करें कॉन्टेस्ट को प्ले करें और फिर मेरे साथ यूट्यूब लाइव ज्वाइन करें है ना साफ सेवन थर्टी पीएम कल है ना

प्रोडक्ट बनने वाला है इट मींस यहाँ पर एक बात बहुत सिंपल सी है क्या है वो बात कि कॉलिजन रेट अगर मैंने निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा किस स्पीड से कॉलीजन हो रहे हैं इसको मैंने निकाल लिया तो वही तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा सोचो जरा है ना प्रोडक्ट बन रहा है किसकी वजह से कॉलीजेंस की वजह से और कॉलीजेंस अगर हमने निकाल लिया कि कॉलीजन की स्पीड क्या है आपस में किस रेट से कॉलीजन हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टेन कोलिजन टू सेकंड में हो रहे हैं या हंड्रेड कोलिजन टू सेकंड में हो रहे हैं अगर मैंने ये निकाल लिया तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि मेरा प्रोडक्ट का जो रेट है वो भी इसी तरह से आएगा बात समझ रहे हैं कि नहीं तो कोलिजन का जो रेट होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा जी थैंक यू सो मच चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर तो कॉलीजन रेट हमें निकालना है भाई कॉलीजन रेट हमें निकालना है और कॉलीजन रेट को ही देखिए कई लोग बुक्स में पढ़ते हैं लेकिन ये फॉर्मूले समझ नहीं आते हैं किस तरीके से याद रखें इन फॉर्मूलेस को ये भी उनको समझ नहीं आता है बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं आज समझ लीजिए मज़ा आएगा देखिए कोलीजन रेट कहते हैं या इसको कॉलीजनल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं कॉलीजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं कई कई बुक में अलग अलग नोटेशन होती है मैं स्टैंडर्ड नोटेशन यूज कर रहा हूं जो कि ज़्यादातर यूज करती हैं स्टैंडर्ड बुक्स तो रेट कह लीजिए या फ्रीक्वेंसी कह लीजिए आप इसको टोटल रेट भी कह सकते हैं भाई टोटल कोलिजनल रेट ठीक है टोटल कोलिजनल रेट या कोलिजनल फ्रीक्वेंसी ध्यान सुनिए टोटल कोलिजनल रेट या टोटल फ्रीक्वेंसी तो पहले यह सोचा गया कि सारे ही कोलिजन हमें प्रोडक्ट दे देंगे सुनिए पहले ये सोचा गया कि जितने कोलिजन हो रहे हैं या जितने कोलिजन हो सकते हैं सभी प्रोडक्ट दे देंगे तो सभी कोलिजन का रेट हमने निकाला टोटल कोलिजन रेट हमने बोला कि रेट ऑफ़ रिएक्शन के बराबर होगा तो हमने इसको जब डिराइव किया तो जेड ए बी से इसको डिनोट करते हैं याद रखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कोलिजन किस स्पीड से होने वाला है क्या उसका रेट है यह डिपेंड किस पे करेगा यह डिपेंड करेगा आपके आपके नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अरे इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रूम है और उसके अंदर तीन लोग हैं तो तीन लोगों के बीच में लड़ाई होगी तीन ही लोग सिर्फ कॉलिजन कर सकते हैं आपस में है ना लेकिन अगर उसी रूम के अंदर 300 लोग हैं तो अब सोचिए कितनी लड़ाइयाँ होंगी उस रूम के अंदर है ना कितने लोग आपस में एक दूसरे को पीट रहे होंगे तो इसी तरीके से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कॉलिजन रेट की वो किस पे डिपेंड करेगा नंबर पे डिपेंड करेगा और हमें बनाना है रेट इसीलिए हम उस नंबर को लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम क्या लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम क्लियर है ठीक और यहां पर हम दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल या एटम आप कह सकते हैं इसीलिए हम कह रहे हैं दो अलग मॉलिक्यूल है अनलाइक मॉलिक्यूल है ए एंड बी ठीक तो यहां पर जो कोलिजनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है वो किस पे कर रही है भाई एन ए पे और एन बी पे ये एन ए और एन बी क्या है एन ए और एन बी क्या है लिख लीजिए एन ए और एन बी ये आपके है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम जो भी आप मानना चाहें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम भाई क्या है ये पर यूनिट वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम है क्लियर है अब यहां से अब यहां से समझिए बात को अब जैसे ही ये यहां से हटेगा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट यहां पर आने वाला है एक क्या आएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और उस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को बोला गया टोटल कॉलिजनल नंबर कितने कॉलिजन हुए ये तो बताइए कितने कोलिजन हुए अब मैं आपसे कहता हूं कि गैस मॉलिक्यूल रख दिए हैं मैंने अब आप बताइए कितने कोलिजन हुए तो क्या आप कोलिजन गिन पाएंगे नहीं गिन पाएंगे आप कोलिजन नहीं गिन पाएंगे क्योंकि हर टाइम के साथ कोलिजन तो बढ़ते जाएंगे कोलिजन नंबर तो बढ़ते जाएंगे तो आप कैसे कोलिजन नंबर गिन पाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया गया 1 सेकंड है ना 1 सेकंड जिससे कि मैं और आप सेम कॉलिजन नंबर काउंट कर सके या समझ सके क्लियर तो यहां पर हमने बोला कि ये पर यूनिट वॉल्यूम हो गए नंबर है ना और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक ऐड किया जिसको हमने बोला कॉलिजनल नंबर टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इन वन सेकेंड तो जेड ए भी यहाँ पर आपके सामने आया ठीक है जेड ए भी यहाँ पर आपके सामने आया और इसको हमने क्या बोला भाई इसको हमने बोला है टोटल कॉलिजन नंबर टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इन वन सेकेंड याद रखना टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इन वन सेकेंड याद रखना इन वन सेकेंड वन सेकेंड के अंदर आप वन सेकेंड कह सकते हैं या पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं कई लोग इसको मिनट भी ले लेते हैं तो टोटल कोलिजन तो काउंट कर रहे हैं पर पर यूनिट टाइम में कर रहे हैं ठीक है पर यूनिट टाइम टाइम में या या हो हो सकता है वो time, या हो सकता है है वो मिनट क्लियर है तो पर यूनिट टाइम में मेजर कर रहे हैं तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या है कोलिजन फ्रिक्वेंसी है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बात समझ में आया पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम तो इंपॉर्टेंट है ये दो बातें ठीक है चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन दिमाग में सर ये जेड ए बी अगर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है तो इसको निकाले कैसे सर इसको समझाइए सर कितने कोलिजन होंगे देखिए बहुत ही सिंपल है अगर किसी को बॉक्सिंग पसंद है तो ये बहुत ही इजीली समझ सकता है जेड ए बी किस पे डिपेंड कर रहा है और जेड ए बी की वैल्यू क्या आ रही है देखिएगा बड़ा मजा आने वाला है जेड ए बी की वैल्यू क्या आने वाली है बहुत ही इजी तरीके से आप सोच पाएंगे देखिए देखिए समझिएगा ध्यान से तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बहुत मजा आने वाला है ठीक है देखिए लेट सपोज मान लीजिए अगर आपको बॉक्सिंग पसंद है तो जो बॉक्सिंग पे जिसको किक करते हैं तो ध्यान से सुनिए अगर मान लीजिए यहां पर एक बॉक्सिंग पैड है उस पर मैं किक मार रहा हूं ठीक तो अगर मेरी स्पीड मेरे हैंड्स की स्पीड क्या है धीरे है लेट्स सपोज मैं धीरे-धीरे उस पे हिट कर रहा हूं तो मैं उसमें 1 सेकंड के अंदर कितना हिट कर रहा हूं 10 हिट कर रहा हूं तो कितने कोलिजन हुए 10 कोलिजंस हुए ध्यान सुनिए कितने कोलिजंस हुए 10 कोलिजंस हुए है ना और वहीं पे अब मैं तेजी से हिट कर रहा हूं देखिए अब मैं तेजी से हिट कर रहा हूं तो 1 सेकंड के अंदर मैंने इस बार 30 हिट्स किए हैं तो 30 कोलिजन हुए तो आपको एक बात समझ में आई कि कॉलिजन नंबर आपका डिपेंड कर रहा है किस पे स्पीड पे हाँ या ना जल्दी बताइए कॉलिजन नंबर डिपेंड कर रहा है आपका स्पीड के ऊपर अरे क्लियर है बताइए तो कॉलिजन नंबर आपका स्पीड पे डिपेंड कर रहा है इट मीन्स यू एवरेज पे डिपेंड कर रहा है अब ये यू एवरेज क्यों लिखा क्योंकि हर एटम की स्पीड और हर मॉलिक्यूल की स्पीड तो डिफरेंट है अब हर एक एटम की स्पीड तो पकड़ के बताएंगे नहीं भाई तुम्हारी स्पीड क्या है ना तो इसीलिए हमने लगाया यू एवरेज एवरेज स्पीड लगा दी हर एक एटम की एवरेज इतनी स्पीड होगी ठीक है उसके हिसाब से हमने यहां लगा दिया अब मान लीजिए कोलिजन तो हो रहा है है ना कोलिजन तो तभी माना जाएगा ना जब वो उसी के साथ जाके टकर सपोज मान लीजिए मुझे हिट करना है यहां पर और मैं हिट कर रहा हूं यहां पर तो उसको नंबर में काउंट करेंगे क्या नहीं करेंगे मान लीजिए स्पीड बहुत तेज है उसके बाद भी देखिए स्पीड बहुत तेज है ध्यान देखिए स्पीड बहुत तेज है उसके बाद भी कोलिजन नहीं होगा कोलिजन नंबर में काउंट नहीं होगा देखिए कैसे ये आया और इससे बिना कोलाइड किए चला गया स्पीड तो बहुत थी तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है डिपेंड कर रहा है आपके क्रॉस सेक्शन एरिया पे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं या एटम्स हैं जो उसी क्रॉस सेक्शन एरिया में जाके कोलिजन कर रहे हैं उसी क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ जा रहे हैं हाई स्पीड से वही कोलिजन नंबर आपका बनाने वाला है बात समझ में आई वही कोलिजन नंबर के अंदर आएंगे तो आपका ये डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया इट मीन सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है क्लियर है समझ में आया यू एवरेज आपको पता है कि ऐसे स्टेट में पढ़ा था। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे अगर भूल गए तो बॉक्सिंग करना शुरू कर दीजिएगा है ना हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला भी याद आ जाएगा क्लियर है देखिए तो एट आर टी अपन पाई एम एट पाई सिग्मा तो अभी निकाल के आए थे सिग्मा तो अभी निकाल के आए थे क्लियर है तो कॉलिजन थ्योरी के अंदर सारी चीजों को फीड कर दीजिए फॉर्मूला बड़ा सा निकल कर आ जाएगा बड़ा सा निकल के आ जाएगा लास्ट में एक बात इंपॉर्टेंट है लास्ट में एक बात इंपॉर्टेंट है क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है क्या सारे कोलिजन ध्यान सुनिए क्या सारे कोलिजन आपको प्रोडक्ट देंगे हाँ या ना जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या सारे कोलिजन आपको प्रोडक्ट देंगे हाँ या ना मान लीजिए जो भी कॉलिजन कर रहे हैं यहां पर क्या वो सभी के सभी आपको प्रोडक्ट देंगे देखिए तो सभी के सभी आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे अगर मान लीजिए ए और बी के कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है तो ए ए अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं देंगे बी और बी आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं देंगे और ध्यान से सुनिए ए और बी भी कुछ ऐसे होंगे जो कोलिजन तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्ट नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कोलिजन के टाइम पे क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कोलिजन के टाइम पे बात समझ में आ रहा है ये भी बहुत धीरे मॉलिक्यूल घूम रहा है ये भी बहुत धीरे से घूम रहा है आपस में हल्के से टकराए है ना छोटी सी बात हुई छोटी सी लड़ाई हुई तो दोनों ने आपस में सुलझा लिया तो कोलिजन हुआ लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिला तो इसीलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एनर्जी फैक्टर क्या एनर्जी फैक्टर क्या आया एनर्जी फैक्टर यस तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है बिल्कुल सही बात है लेकिन सारे कोलिजन प्रोडक्ट दे ये बात गलत है ये बात गलत है कुछ फ्रैक्शन ऑफ एटम और मोलिक्यूल्स ही सिर्फ आपके प्रोडक्ट देंगे तो कितने फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट देंगे तो वो फैक्टर कहलाता है आपका ई e की पावर माइनस ई ए बायर माइनस ई ए बाई आर टी क्लियर है तो ये एनर्जी फैक्टर वहां पे लग जाता है इतने फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स ही सिर्फ आपके प्रोडक्ट कह देंगे कोलिजन आपके सक्सेसफुल कोलिजन कहलाएंगे क्लियर है तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप फाइनली देखेंगे तो इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी गई जिसको कहा गया ओरिएंटेशन फैक्टर क्या ओरिएंटेशन फैक्टर मान लो उसको टकराना था सीधे सीधे है ना अपनी ओरिएंटेशन सीधी रख के उसको टकराना था लेकिन वो अपनी ओरिएंटेशन अपोजिट करके उससे टकरा रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा इसीलिए उसको कहा गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर इस थ्योरी में उसके बारे में ज्यादा चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की गई कि उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें जस्ट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन यहां पर उसका जो कैलकुलेशन था वो में अच्छे से करके बताया गया कि थ्योरिटिकल उसका क्या फॉर्मूला बन सकता है क्लियर है तो ये हमारे पास कोलिजन थ्योरी का हमारा फॉर्मूला था और इन फॉर्मुल को याद करने की जरूरत नहीं आपको हमेशा याद रहेंगे हमेशा याद रहेंगे बस कॉलिजन याद रखना कॉलिजन थ्योरी में एक वर्ड याद रखना एक भी चीज आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी एक फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में अपने आप आएंगे अपने आप आएंगे लिख ले लीजिए अपने आप आएंगे चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है बढ़िया सा तो इसको ट्राई करेंगे तो यहां पर हमारे पास x प्लस वाई आपका जेड बना रहा है और m प्लस एन आपका p बना रहा तो है तो बाई बायोलिकुलर रिएक्शन है कॉलिशंस हो रहे हैं और आपसे बोला गया कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है आपको जो रेशियो है स्क्वायर का प्री एक्सपोरेंशियल फैक्टर का रिएक्शन टू दोनों रिएक्शंस में A2 और A1 तो इनका रेशियो क्या आने वाला है सेम टेम्परेचर पे है ना तो ये आपसे पूछा गया है तो बहुत ही सिंपल है बिल्कुल सिंपल है ध्यान से देखिए कैसे तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर वही होगा जो उसके आगे सब कुछ लिखा था याद है उसके आगे क्या लिखा था चलिए मैं आपको बता देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप देखेंगे है ना rate of reaction अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या मैं आपसे कहूं रेट कांस्टेंट को ही आप अगर स्टडी करेंगे सिर्फ रेट कांस्टेंट को ही सिर्फ आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए आपको मिलेगा पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर जेड ए बी कॉलिजन नंबर ठीक है ई e की पावर माइनस ई ए बायर क्लियर है अब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है भाई प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्सपोनेंशियल को छोड़ दो तो ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और प्रोबेबिलिटी अगर आपको मेंशन नहीं की है तो मान के चलिए वहां पे प्रोबेबिलिटी वन है उसकी कोई टेंशन नहीं है और वैसे भी रेशियो निकाल ले हो तो रेशियो में तो वो कैंसिल ही हो जाएगा क्लियर है चलिए देखते हैं तो देखिए ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्री फैक्टर क्लियर है चलिए अब जरा दिमाग लगाइए कैसे लगाएंगे तो देखिए जेड ए बी दिमाग लगाइएगा जेड ए बी मेरा डिपेंड करता है यू एवरेज पे हा या करता है सर बिल्कुल करता है और यू एवरेज मेरा डिपेंड करता है इस पे एट आर टी अपॉन पाई एम याद है पाई एम मोलर मास मोलर मास किया जाता है रिड्यूस मास यूज किया जाता है तो वन अपॉन रिड्यूस मास पे डिपेंड करता है इट मीनस जेड ए भी फिर मेरा यू या म्यू के इनिवर्सली डिपेंड करता है स्कवायर रूट पर ठीक है तो अगर जेड एवरेज इस तरह से डिपेंड कर रहा है तो मेरा ए जो है वो भी कैसे डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास पर डिपेंड करेगा रिड्यूस मास पे डिपेंड करेगा तो अब आप निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं चलिए निकाल दीजिए जल्दी से है ना तो तब आप निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं चलिए तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं क्लियर है ठीक है और ये साथ ही साथ आपका सिग्मा पे भी डिपेंड करेगा सिग्मा पे भी डिपेंड करेगा तो यहां पर यू एवरेज और सिग्मा पे डिपेंड करेगा ठीक तो सिग्मा पे भी डिपेंड करेगा तो वहां से आप निकाल सकते हैं तो सिग्मा अगर आप निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट बराबर ही आने वाला है कैसे देखिए पॉइंट पॉइंट एट तो ये आपका पॉइंट फोर आ गया और डिवाइड करेंगे पॉइंट टू यहां पर भी सेम तो सिग्मा दोनों का सेम है तो एक तरह से सिग्मा पे डिपेंड नहीं कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस मास पे डिपेंड कर रहा है आप करके देखिएगा ठीक तो अब हम अगर इसको निकालें तो देखिए ए टू का स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर आएगा देखिए क्या यहां पर आएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू क्लियर है म्यू वन अपॉन म्यू टू तो म्यू वन अपॉन म्यू टू निकालना है चलिए निकाल देते हैं जल्दी से तो देखिए तो ये हमारा म्यू वन होगा तो फाइव इंटू ट्वेंटी है ना देखिए फाइव इंटू ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी प्लस फाइव तो यह हो गया हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव इट मीन फोर It means 4, तो इसका वन क्या आया भाई म्यू वन आया फोर म्यू वन आया फोर अब बात कर लेते हैं जरा म्यू टू की तो म्यू टू निकालेंगे आपका फाइव ये आ गया आपका फाइव क्लियर है ये आपका आ गया फाइव है ना तो इतने ही व्यूअर्स था जल्दी से बढ़ा दीजिए है ना चलिए तो अपना आंसर आ जाएगा फाइव तो ये आ जाएगा फाइव म्यू टू की वैल्यू फाइव क्लियर है टू की वैल्यू फाइव तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा करेक्ट आंसर दिखेगा फोर पॉइंट फाइव कहा है भाई फोर पॉइंट फाइव ये रहा क्लियर है ये रहा अपना आंसर फोर पॉइंट फाइव फोर अपॉइंट फाइव क्लियर है समझ में आया तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन था आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी है ना तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और कॉन्टेस्ट भी हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी आई एफ एस के ऐप पे अपलोड कर रखे हैं तो जाइए और कॉन्टेस्ट को प्ले कीजिए ठीक है तो मिलते हैं कल हम आप लोगों के साथ फिर सेवन थर्टी पी एम आई एफ एस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे नया लेक्चर लेके कैटलिसिस का ठीक है तो उसके कॉन्टेस्ट ऑलरेडी अपलोड है जाइए आई एफ एस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर प्ले कीजिए ठीक है तो थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग